हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो भाई सबसे पहले तो हम 3000 सब्सक्राइबर के बहुत करीब हैं, तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि 3000 सब्सक्राइबर करवा दो मेरे, और हो सके उतना लोगों के साथ, फ्रेंड के साथ शेयर करो ताकि हम और ज़्यादा ग्रो हो सके। आज के वीडियो के मेन टॉपिक की बात कर देते हैं। तो आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे, स्कॉर्पियो का जो करंट जनरेशन चल रहा है उसका टेस्ट किया जा रहा है, यानी कि स्कॉर्पियो का न्यू जनरेशन तो कन्फर्म है, आने ही वाला है 2022 में देखने को मिलेगा वो। बट जो करंट जनरेशन है उसको टेस्ट किया जा रहा है। वैसे यूजुअली क्या होता है कार्स में, न्यू जनरेशन आता है कार्स का तो ओल्ड जनरेशन को कंपनी वाले डिसकंटिन्यू कर देते हैं, बट यहाँ पर तो उसका उल्टा हो रहा है, यानी कि उसको टेस्ट किया जा रहा है, यानी कि कुछ नए चेंजेस है वो इसमें आने वाले हैं। तो हम ऐसा सोच रहे हैं कि जब न्यू जनरेशन लॉन्च होगा उसके साथ साथ ये जो ओल्ड जनरेशन, यानी कि जो करंट जनरेशन है उसको भी बेचा जाएगा, यानी कि न्यू जनरेशन एंड ओल्ड जनरेशन स्कॉर्पियो दोनों को महिंद्रा है वो बेचेगा, या फिर जो हम न्यू जनरेशन स्कॉर्पियो बोल रहे हैं जिसको, वो कुछ अलग नाम से भी जो है वो महिंद्रा ला सकता है, जैसे उसने XUV700 में किया। यानी कि जब XUV700 का जब स्टार्टिंग के स्टेज में उसका टेस्ट किया जा रहा था, तब यही चीज़ें लग रही थी कि जो XUV500 है उसका न्यू जनरेशन आने वाला है। वैसे देखे तो वो उसका न्यू जनरेशन ही है, बट उन्होंने अलग नाम से उसको लॉन्च किया, और फिर जो XUV500 है उसको डिसकंटिन्यू अभी, मतलब कि कुछ ही टाइम पहले कर दिया है। तो वो चीज़ उन्होंने की थी, मतलब कि जब तक उन्होंने ऑफिशियली मतलब कि रिवील नहीं किया तब तो हम यही समझ रहे थे कि वो XUV500 के नाम से ही आएगी, बट बाद में पता चला कि वो XUV700 के नाम से आने वाली। तो वैसा भी कुछ महिंद्रा है वो प्लान कर सकते हैं, यानी कि जिसे हम महिंद्रा स्कॉर्पियो का न्यू जनरेशन समझ रहे हैं वो कुछ और नाम से भी आ सकता है। तो भाई हम ऐसा मान के चल सकते हैं कि जो करंट जनरेशन स्कॉर्पियो है एंड जो न्यू जनरेशन स्कॉर्पियो आने वाली है, उन दोनों को महिंद्रा है वो सेल कर सकता है, यानी कि दोनों की बिक्री चालू रखेगा, किसी को भी डिसकंटिन्यू नहीं करेगा, ऐसा हम सोच सकते हैं। और भाई जो भी करंट जनरेशन स्कॉर्पियो चल रही है उसकी आपको मतलब कि डिमांड तो पता ही है, यानी कि काफ़ी अच्छी उसकी डिमांड है। तो जब तक डिमांड रहेगी तो फिर खामखाई महिंद्रा वाले क्यों उसको डिसकंटिन्यू करेंगे। हाँ, जब इसकी न्यू जनरेशन आएगी और डिमांड है वो थोड़ी सी कम होती जाएगी, फिर शायद उसको वो डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। और भाई बात कर दे जो अभी हमारे सामने जो स्पाइस शॉट्स आए स्कॉर्पियो के टेस्टिंग के दौरान, उसमें आप देख सकते हो इसमें हमें अलॉय व्हील्स देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि जो स्टील रिम आते हैं वो देखने को मिल रहे हैं, व्हील कैप भी नहीं है। तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि ये इसका बेस वेरियंट हो सकता है। और इसके एक्सटीरियर में जो भी मतलब कि टॉप एंड वेरिएंट में जो भी डिटेलिंग की जाती है, वैसी कुछ भी डिटेलिंग हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। तो इसी लिए मैं बता रहा हूँ कि ये इसका बेस वेरिएंट हो सकता है। बाकी भाई इसके अंदर हम देखें तो कैमोफ्लेक्स की मैं बात करूँ, तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि इसका जो फ्रंट बम्पर से, यानी कि जो फ्रंट फेस है उसमें उसका बम्पर्स आ जाते हैं, फिर साइड में देखें तो जो नीचे की साइड जो क्लैडिंग होती है वहाँ पर कैमोफ्लेक्स ढका हुआ है, और इसकी ग्रिल है वो कैमोफ्लेक्स के अंदर कवर है। तो इसमें कुछ चीज़ें वो चेंज की जा सकती है, जैसे कि बात करें इसकी जो फ्रंट ग्रिल है वो हमें चेंज देखने को मिलेगी, जो कि आप देख ही सकते हो थोड़ी बहुत चेंज उसको किया गया है। नेक्स्ट इसके बम्पर से उसके शेप में थोड़ा बहुत चेंज किया जा सकता है, शार्प किए जा सकते हैं, थोड़े बहुत वो चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। फ्रंट बम्पर चेंज होगा तो ऑब्वियसली रियर बम्पर में भी थोड़ा बहुत हमें चेंज है वो देखने को मिल सकता है। इसके अलावा साइड में जो मतलब कैमोफ्लेक्स ढका हुआ है वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा क्लैडिंग है वो ऐड की जा सकती है, साथ ही इसके जो फ्रंट फेंडर है वहाँ पर भी वो थोड़ा सा कैमोफ्लेक्स ढका हुआ है, तो वहाँ पर भी कुछ शेप में थोड़ा बहुत चेंज किया जा सकता है। बाकी इसके अलावा ऑल ओवर जो कह सकते हैं ना, बॉडी में कोई हमें चेंज देखने को नहीं मिलेगा। और बात कर दें इंटीरियर की, तो इंटीरियर में तो हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें वो चेंज की जा सकती है, जैसे कि इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हो गया, इंफोटेनमेंट सिस्टम हो गई, अपहोल्स्टरी हो गई, तो ये सारी चीज़ें वो चेंज की जा सकती है। बाकी आप ऐसा मत सोचना कि पूरा लेआउट चेंज देखने को मिलेगा या फिर कोई बड़ा चेंज देखने को मिलेगा, वैसा कुछ नहीं होगा। तो आप जो स्पाइस शॉट्स है वो आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो, और आप अपने हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हो। अगर मेरे से कोई चीज़ छूट रही हो तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और साथ ही भाई मैं बात कर दूँ, ये जो अभी करंट जनरेशन स्कॉर्पियो चल रही है उसमें हमें एक इंजन देखने को मिलता है, वैसे देखें तो दो इंजन है, 2.2 लीटर का डीजल इंजन देखने को मिलता है, और ये जो डीजल इंजन है वो हमें दो डिफरेंट ट्यून में देखने को मिलता है, यानी कि जो इसका बेस वेरिएंट आते हैं उसके अंदर जो 2.2 लीटर का डीजल इंजन दिया जाता है वो कुछ 120 PS का अराउंड पावर जनरेट करता है, एंड जो टॉप एंड वेरियंट आते हैं उसमें जो 2.2 लीटर का डीजल इंजन दिया जाता है वो कुछ 140 PS का अराउंड पावर जनरेट करता है, यानी कि 2.2 लीटर का डीजल इंजन ही है लेकिन वो अलग अलग पावर के लिए ट्यून किया गया। तो बेस वेरिएंट में थोड़ा सा आपको कम पावर मिलेगा, टॉप एंड वेरिएंट में ज़्यादा मिलेगा। वैसे टॉप एंड वेरिएंट में आपको 4x4 एंड बाकी सारी चीज़ें भी देखने को
मिल जाती है, जिसके लिए स्कॉर्पियो है वो जानी जाती है, यानी कि जो उसकी ऑफ रोड कैपेबिलिटीज है उसके लिए वो जाने जाती है, वो चीज़ें आपको इसके टॉप मेरिट में भी ऑफर की जाती है, 4x4 हाई लो वो सारी चीज़ें आप जानते ही हो मेरे से ज़्यादा, तो वो सारी चीज़ें हैं। बाकी भाई ये कुछ इसके स्पाइस और हमारे सामने आए, और इसके लिए जो भी पॉसिबिलिटीज है इसके न्यू जनरेशन को लेकर और जो भी करंट जनरेशन है वो सारी पॉसिबिलिटीज़ मैंने आपको आगे बता दी। और बाकी भाई एक चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई कि हमारे 3000 सब्सक्राइबर के हम बहुत करीब है, बहुत जल्द होने वाले हैं, तो आप थोड़ा सा और ज़्यादा सपोर्ट करो तो काफ़ी जल्दी हो सकते हैं। और साथ ही मेरे इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है उसका भी लिंक मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको ऐसी अपडेट एंड न्यूज़ है वो मिलती रहती है, क्योंकि यूट्यूब में तो आपको पता ही है कि वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो थोड़ा सा डिले होता है, बट इंस्टाग्राम पे है जो मतलब कि वो सारी न्यूज़ एंड जो अपडेट है वो आपको जल्दी से मिल जाती है। बाकी भाई आज के वीडियो में कुछ था, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, उसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, क्योंकि अगर नहीं किया तो आप ऐसा काफ़ी सारा कंटेंट मिस कर रहे हो। और भाई कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके ज़रूर से बता सकते हो, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड ड्राइव सेफली।